फ्रेंड्स, आज हम शेयर करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ करी बड़ी की रेसिपी, वो भी बिना दही की, लेकिन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खट्टी, चटपटी और बहुत ही सॉफ्ट सी बनने वाली। इस करी बड़ी की रेसिपी को आप पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। करी बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम बड़ी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप बेसन लिया है, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 2 पिंच हींग लेंगे, नमक स्वादानुसार हम डालेंगे और पानी जो है बैचेस में डालते हुए हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो एक ही बार हम पूरा पानी या ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, चूँकि बिल्कुल पकौड़ा की तरह हमें इसकी कंसिस्टेंसी का घोल बनाना है। तो इसे हम चम्मच से इस तरह से घोल लेंगे और इसे हम ढक के 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद हम इसे एक बार फिर से फेंटेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक बोल में पानी लेंगे, बड़ी को डाल के दिखाएंगे आपको कि ये अभी जो है बिल्कुल डूब जा रहा है, बिल्कुल फ्लैट नहीं कर रहा है। जैसे ही इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ये ऊपर तैरने लगेगा। तो अब हम इसे हाथ से फेंटेंगे, आप चाहें तो चम्मच से भी फेंट सकते हैं, लेकिन हम इसे हाथ से अच्छी तरह से फेंटेंगे, एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। और जब ये पूरी तरह से बैटर तैयार हो जाएगा तो ये काफ़ी फ्लफी लगेगा और इसका कलर भी लाइट हो जाएगा। तो अब अगर आपको पूरी अच्छी तरह से देखना है कि किस तरह से बड़ी जो है काफ़ी सॉफ्ट बनती है, तो उसकी भी रेसिपी हम आप की अपने चैनल पे दे रखे हैं, तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसकी कंसिस्टेंसी को भी आपको ध्यान देना है कि अब बहुत ज़्यादा ये पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर पतला लगे तो थोड़ा सा बेसन डाल दें और गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी डाल दें। अब हमने इसे 5 से 6 मिनट के लिए फेंट लिया है। तो अब एक बोल में हम और पानी लेंगे और इसमें इसको डाल के देखेंगे। देखिए कैसे डालते ही वो ये ऊपर तैरने लगा बड़ी, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार है इसका बैटर। पहले जो था वो डूब गया हुआ था। अब हम यहाँ पे इसकी बड़ी बना लेंगे। तेल हमने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, इसे हमने पहले से चढ़ा रखा है। मीडियम हॉट गरम तेल पे हमें इसे फ्राई करना है। तो तेल पहले से गरम था, तो इस तरह से आप बड़ी को डालते जाएं पकौड़ा की तरह फिंगर की सहायता से। यदि आपको दिक्कत आती है तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। तो आप देखिए इस तरह से चम्मच से भी आप डाल सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो उस तरह से आप बड़ी को बना लें। तो देखिए जैसे ही ये बड़ी हम डाले हैं, सभी तेल के ऊपर आ गई है, तैरने लगी है और काफ़ी फूल भी गया है। छोटा छोटा हम डाले थे लेकिन काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है। अब हम इसे इस तरह से अलट पलट के इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए इसका कलर जो है परफेक्ट आ चुका है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर। बाकी का जो बैटर है उसे भी हम फिर से इस तरह से बड़ी बना लेंगे। तो जितना एक बैचेज बैठेगा सभी को हम इसमें डाल देंगे बड़ी को। आप देख सकते हैं कि बड़ी जैसे ही हम डाल रहे हैं तेल के ऊपर आ जा रहा है और काफ़ी बड़ा बड़ा भी हो जा रहा है। छोटा छोटा हम डाल रहे हैं लेकिन ये बड़ा बड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब जो इसका बैटर हमने तैयार किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसे हम अलट पलट के इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी प्लेट में आप इसका कलर देख सकते हैं और काफ़ी फुला फुला भी ये बनके तैयार हुआ है। तो अब हम इसकी कढ़ी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने जिसमें हमने इसका बैटर तैयार किया था उसमें हम पानी डाल देंगे। ये जो हमने चेक किया था बड़ी डाल के बोल में पानी, उसका बैटर दोनों हम डाल देंगे इसके अंदर। और इसको हम एक घोल पहले तैयार करके रखेंगे। तो यहाँ हम 3 टेबल स्पून के बराबर हम पान लिए हैं इसमें बेसन, जो हम इसका टोरी से नाप के लिए जितना लेंगे उसका हम 20 गुना पानी डालेंगे। ध्यान रहे 20 गुना पानी आपको डालना होगा। तो यहाँ पे हम इसको डालने के बाद चम्मच से इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे ताकि ये बेसन का कोई भी लम्स इसके अंदर ना रहे। तो जितना भी लम्स लग रहा है उसको इस तरह से चम्मच से मैश करते हुए आप इसका घोल तैयार कर लें। अगर दिक्कत आ रही है तो आप विस्कर से भी इसे अच्छी तरह से घोल लें। तो देखिए बिल्कुल लम्स फ्री घोल तैयार हो चुका है यहाँ पर। अब अलग से हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो एक बोल लेंगे, इसमें हम 1 छोटी चम्मच मिर्चा पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च कुटी हुई, और इसे पानी में घोल के हम छोड़ देंगे। क्योंकि इस तरह से घोल के मसाला छोड़ने से इसका टेस्ट अच्छा आता है, जलता भी नहीं है, तो ये थोड़ा फूल जाता है तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब हम यहाँ पे दही की जगह आम यूज़ करेंगे, कच्चा आम, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। टेस्टी तो होता ही, हेल्दी भी हो जाता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में अक्सर कहता है कच्चा आम किसी न किसी रूप में आपको ज़रूर खाना चाहिए, जिससे हमें लू नहीं लगती है, हमारे शरीर को पूरी तरह से ठंडक मिलती है इससे। तो इसीलिए हम इस आम को यूज़ करते हुए हम यहाँ कढ़ी बड़ी बनाएंगे, जो बहुत ही टेस्टी बनती है इससे। तो हमने इसको छील के इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। इसके अंदर जो बीजा है उसे हम हटा लेंगे।
आप देख सकते हैं। तो आप अपने डाइट में किसी भी तरह कच्चा आम को जरूर शामिल करें, चाहे चटनी हो, चाहे दाल में डाल के, चाहे कढ़ी बड़ी में डाल के। कढ़ी बनाने की सारी तैयारी हमने कर रखा है। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इस पर हम वही तेल डालेंगे जिसमें हमने बड़ी को फ्राई किया है। अब तेल गर्म हो जाएगा, यहाँ 3 टेबल स्पून के बराबर तेल रखेंगे। तो हम थोड़ा सा यहाँ मेथी डालेंगे, 15 से 20 दाना, 1/2 चम्मच काला राई डालेंगे और 2 पिंच के बराबर हम यहाँ पर हींग डालेंगे। 2-3 हरी करी कटी हुई हरी मिर्च को डालेंगे, 10 से 15 करी पत्ता डालेंगे। जैसे ही ये पक जाएगा तो यहाँ पे हमने घोल के जो मसाला तैयार रखा था उसे हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे ताकि मसाला जले नहीं और इसे हल्का हल्का भून सके। तो ये देखिए गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दिया है और इसे हम 2 मिनट के लिए करीब भून लेंगे। तो ये देखिए मसाला जो है अच्छी तरह से भून चुका है। अब यहाँ पर हमने जो बेसन घोल के रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे हमें 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। जितनी अच्छी तरह से ये पकेगा उतना ही अच्छा टेस्ट इसके अंदर आएगा। तो आप गैस का फ्लेम लो ही रखिए और इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकाइए, लेकिन कंटिन्यू इसे चलाते रहिए। नमक हम इसमें डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच हमने यहाँ पे नमक डाला है। नमक अपने स्वादानुसार थोड़ा ज़्यादा या कम आप कर सकते हैं। ये देखिए 15 से 20 मिनट करीब इसे हमने अच्छी तरह से चलाते हुए पका लिया है। चूँकि इसे कंटिन्यू चलाना भी होता है, नहीं तो ये बेसन है तो ये थोड़ा सा नीचे जमने लगता है, इसीलिए आप इसे शुरू में तो कंटिन्यू चलाते रहें, बाद में आप बीच बीच में इसे चलाते रहें। तो इस तरह से हम 15-20 मिनट इसे हमने पका लिया है। यहाँ देखिए इसमें उबाल आने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से पका लिया है। अब इस स्टेज में हम यहाँ पे बड़ी को डालेंगे जिसको हमने फ्राई करके रखा है। तो देखिए अब इसमें हम बड़ी डाल देंगे और इसे हम अभी 2 मिनट के लिए बिल्कुल टच नहीं करेंगे, 2 मिनट इसी तरह से छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसे इस तरह से चला लेंगे। अगर आप देख सकते हैं बड़ी जो है काफ़ी फूल गया है, ये बहुत ही परफेक्ट बड़ी बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ पे हम ऊपर से थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे जिसको हमने पहले से हल्का सा रोस्ट कर लिया था, तो इसे हम थोड़ा सा ये करके डालेंगे और यहाँ पर हम कच्चा आम जो हमने कट करके रखा था इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे चला लेंगे। बस 10 से 15 सेकेंड के लिए और पकने देंगे, ज़्यादा बिल्कुल ना पकने देंगे और इसे ढक के हम छोड़ देंगे। तो देखिए कढ़ी बड़ी जो है बिल्कुल तैयार है, तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो हमने कढ़ी बड़ी को सर्व कर लिया है। अब हम इसमें से एक बड़ी आपको निकाल के दिखाते हैं इसकी सॉफ्टनेस को। ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो चलिए देखिए इसमें से हमने एक बड़ी आपको निकाल के इस तरह से हम इसे कट करके दिखाते हैं। ये अंदर तक बिल्कुल रस चला गया है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अब इस तरह से ज़रूर कढ़ी बड़ी बनाइएगा। अगर आपको और भी टेस्ट इन्हांस करना है तो आप ऊपर से एक तड़का डाल सकते हैं। उसके लिए आप एक तड़का पैन लें, 2 चम्मच देसी घी लें और उसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा मिर्चा डालें, 2 लाल मिर्च डाल दें और थोड़ा सा जीरा डालें, थोड़ा हींग डालें और ऊपर से गैस ऑफ करने के बाद थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल के और इसके ऊपर डाल दें, टेस्ट और भी इन्हांस हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने मिथिलांचल स्टाइल कढ़ी बड़ी की रेसिपी अपने चैनल पे डाली हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में लाइक तो करना बनता ही है और कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें कि अगर आपने इसे ट्राई किया तो कैसी बनी। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।